तो स्वागत है दोस्तों आज का हमारे ब्लॉग में। आज हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, ये कुछ कहना चाहेगी बोल बे। अरे मम्मी पापा को बोलना है, चलो बोलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ मम्मी पापा को गिफ्ट देने जा रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी का। आप देख सकते हैं ये तकिया जैसा है और ये पता नहीं क्या है, हम नहीं जानते। चलो फिर चलो जल्दी चलते हैं। टेढ़ा करना बोल, और यहाँ पे हम शादी की सालगिरह विश करने आए हैं मम्मी पापा को हमारे। पापा उठ जाओ, पेपर मत पढ़ो। और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पापा। मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। मुबारक हो आपको नहीं है जिंदगी, खुशियों से भरी रहे आपकी जिंदगी, गम का साया कभी ना आप पर ना आए, दुआ है हमारी आप यूं ही सदा मुस्कुराए, आप यूं ही सदा मुस्कुराए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो अब ये गिफ्ट खोलते हैं, हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अनबॉक्सिंग हो रही है जो हमने गिफ्ट दिया है। पहले मम्मी खोलेंगी और देख सकते हैं आप यहाँ। वैसे तो दोनों को साथ में खोलना चाहिए, पता नहीं। ये क्या निकला है? हमें सूट मिले हैं और यहाँ पे क्या मिल रहा है? अपनों को भी कोई धन्यवाद कहता है। कैसा लगा? ब्यूटीफुल कलर। पापा आपको? बढ़िया। बच्चों ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और पापा भी खड़े, पापा को चलो। पापा कैसे, पापा कैसे लगे? पापा ने कुछ बच्चों को बोला ही नहीं है। पता नहीं पापा को पसंद आया कि नहीं आया। आया होगा और क्या। तो दोस्तों देखिए, ये मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है हमारी और भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। ये खीर पूरी यहाँ पे बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं हमारा मंदिर। तो दोस्तों नमस्कार, हम जा रहे हैं यहाँ पे गाय को पूरी खिलाने। तो देखते हैं गाय खाती नहीं खाती है। तो मम्मी ने बनाई थी, अब हम खिलाने जा रहे हैं। चलिए, जय हो गौ माता, खा लीजिए हमारी पूरी। और ये देखिए गाय यहाँ पे खा रही है। जय हो गौ माता। तो गाय को दोस्तों पशु पक्षियों को हमें खाना देना चाहिए, ये हमारे धर्म में सिखाया गया है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी अपनी शॉप की तरफ, स्टेशनरी की, और गाय ने पूरी खा ली फाइनली। और अब हम जा रहे हैं, चल रहे हैं। मौसम देख सकते हैं आप, ये बढ़िया हो रहा है देखने को, सब बढ़िया है यहाँ आस पास। इतना सुंदर पार्क आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से मेनटेन किया है इसको। कितनी शांति है इस एरिया में, कितना अच्छा लग रहा है आके। ये देखिए चिड़िया चहचहा रही है, और इतना सुंदर पार्क ही है, इतने अच्छे से इसको मेंटेन किया है। दोस्तों प्रकृति अगर अच्छी रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये सही बात है बिल्कुल। और इसको हमें ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई, प्रकृति का ध्यान रखना ये होना चाहिए। ये सड़कें ऐसी साफ़ रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, भारत स्वच्छ बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो पहुँच चुके हैं शॉप पर, आपको दिखाते हैं कैसी है साइंस स्टेशनरी। तो ये शॉप है, आइए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मार्केट पेस्ट्री खरीदने या केक मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए बेकरी से, तो वो मैं लाने जा रहा हूँ। अब चलते हैं, मार्केट पहुँच गए हैं। देखिए दोस्तों हम फाइनली बेकरी पहुँच गए हैं केक लाने के लिए, चलिए चलते हैं। तो गाइस 9:15 हो चुके हैं और अब हम सेलिब्रेशन करेंगे हमारे एनिवर्सरी का, मम्मी पापा की जो हम सामान लाए हैं उसको दिखाएंगे और सरप्राइज। हाय गाइस, रात के 9:30 बज रहे हैं और देखिए टेबल सज चुका है। मैंने किया है ये कुर्सी, ढंग से क्यों नहीं लगे, इनको ढंग से लगाओ। तो दोस्तों खाना आ चुका है, जो ऑर्डर किया था हमने आ चुका है, अब चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, बस पापा का वेट हो रहा है आने का। तो अब हम यहाँ काटेंगे केक। तो अब हम लाए थे केक और अब हम उसे काटेंगे। कौन लाया था? तू लाया था।
है। इतनी लेट आए हैं कि हमारी चपाती हुई है बिल्कुल। ये बच्चों की तरह खाना होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज की मेरी यूनिवर्सिटी में मम्मी पापा की। और देखो अभी केक खा रही है तो हमने बहुत एंजॉय किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय टाटा सी यू। शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। केक खा ले।